नमस्कार, मैं प्रिया। आज 31 अक्टूबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। 4638 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए बढ़ेगी आवेदन की आखिरी तारीख। बिहार में कोरोना के माहौल में चुनाव का आयोजन करवाया जा रहा है। वहीं चुनाव और त्योहारों के कारण बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने 4638 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। हालांकि अभी इस बात का फैसला नहीं हो पाया है कि इसे कितना आगे बढ़ाया जाएगा। इस मामले में कमीशन के अध्यक्ष डॉ राजवर्धन आजाद ने जानकारी दे दी है। हालांकि अभी तक एप्लीकेशन जमा करने की अंतिम तारीख 2 नवम्बर है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। पूर्व मध्य रेल कोरोना काल में यात्रियों की सुविधा के लिए बिहार में चलाई जा रही है 5 इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन का परिचालन का समय बढ़ा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में चलाई जा रही 5 इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन को अब 30 नवंबर तक चलाया जाएगा। ईसीआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने इस बात की जानकारी दे दी है और बताया है कि सहरसा पटना, सहरसा कटिहार, पटना भभुआ रोड पटना, राजेंद्र नगर जयनगर, राजेंद्र नगर और राजेंद्र नगर सहरसा राजेंद्र नगर इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन को पहले 31 अक्टूबर 2020 तक चलाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अब इन 5 इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन का परिचालन 30 नवंबर तक करवाया जाएगा। बिहार में कोरोना के फिर मिले 1000 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 1018 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 215,964 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 18, अरवल में 5, औरंगाबाद में 18, बांका में 11, बेगूसराय में 12, भागलपुर में 24, भोजपुर में 6, बक्सर में 13, दरभंगा में 12, पूर्वी चंपारण में 15, गया में 33, गोपालगंज में 12, जमुई में 10, जहानाबाद में 38, कैमूर में 7, कटिहार में 62, खगड़िया में 1, किशनगंज में 14, लखीसराय में 5, मधेपुरा में 19, मधुबनी में 33, मुंगेर में 43, मुजफ्फरपुर में 27, नालंदा में 38, नवादा में 24, पटना में 308, पूर्णिया में 36, रोहतास में 24, सहरसा में 33, समस्तीपुर में 14, सारण में 23, शेखपुरा में 14, शिवहर में 8, सीतामढ़ी में 9, सिवान में 7, सुपौल में 10, वैशाली में 7, पश्चिम चंपारण में 19 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बिहार में 8254 एक्टिव मरीजों की संख्या है। वहीं अब तक कोविड-19 की वजह से 1084 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में पुनौरा धाम जानकी मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। पुनौरा धाम जानकी मंदिर भारत के बिहार राज्य में सीतामढ़ी जिले में एक हिंदू तीर्थ स्थल है, जिसमें एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। यह सीतामढ़ी शहर से 5 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है और एक लोकप्रिय आगंतुक आकर्षक है। पुनौरा धाम जानकी मंदिर बिहार के सीतामढ़ी में स्थित देवी सीता को समर्पित सबसे पवित्र हिंदू मंदिर में से एक है। मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। पुनौरा धाम सीतामढ़ी से लगभग 5 किलोमीटर पश्चिम में है। संत पुनरिक का आश्रम यहाँ स्थित था। भारत के इतिहास में आज का दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से है प्रचलित। देश में हर साल आज का दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के पावन अवसर पर यानी कि आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 31 अक्टूबर के दिन देश में राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साल 2014 में केंद्र की मोदी सरकार ने इसकी घोषणा की थी। आज ही के दिन पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है। बिहार के कई जिलों में गुलाबी ठंड ने दी दस्तक। बिहार में अचानक से लोगों को अब गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। रात में हल्की ठंड के साथ साथ सुबह भी कनकनी महसूस होने लगी है और पारे में गिरावट की वजह से ही सर्दी खांसी के मरीजों में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पर्वतीय इलाके में हो रही बर्फबारी के कारण पटना सहित प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। बीते दिन गया में सुबह में तापमान लगभग 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो पटना में मिनिमम टेम्परेचर सामान्य से लगभग 2 डिग्री नीचे 17.3 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पूर्णिया का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ऊपर 20.8 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले एक हफ्ते में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अविनाश चंद्र विद्यार्थी की। अविनाश चंद्र विद्यार्थी एक भोजपुरी लेखक और कवि थे। वो बिहार के भोजपुर जिले के अरहरा के पास शाहपुर के रहने वाले थे। उन्होंने भोजपुरी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो भिखारी ठाकुर रचनावली के संपादकों में से एक थे। भिखारी ठाकुर के संकलन में कई सारे किताबों का वर्णन किया गया है।
बिहार गोपालगंज के रहने वाले अभिषेक को 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में खरीदा ऑस्ट्रेलिया प्रीमियर लीग ने। बिहार गोपालगंज के रहने वाले अभिषेक कुमार यादव का चयन ऑस्ट्रेलिया प्रीमियर लीग में हुआ है। अभिषेक के चयन के बाद से माता पिता के साथ ही परिवार के लोगों में काफी उत्साह है। आपको बता दें, अभिषेक को इस लीग में खेलने के लिए 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में वेस्टर्न क्रिकेट टीम ने खरीदा है। ऑस्ट्रेलिया प्रीमियर लीग में चयन को लेकर बताते हुए अभिषेक ने कहा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक मेल आया है, जिसमें यह बताया गया है कि उनका चयन वेस्टर्न क्रिकेट क्लब में हुआ है। इसके साथ ही अभिषेक ने अपने चयन के लिए अपने गुरु विनोद सर और अजीत सर का भी धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि अभिषेक वर्तमान में आंध्र प्रदेश में एमपी विजय कुमार की देखरेख में क्रिकेट खेल रहे हैं। बिहार बोर्ड ने जारी किया इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए डमी एडमिट कार्ड। कोरोना माहौल के बीच छात्रों के लिए राहत की खबर सामने आई है। परीक्षा में हो रहे लगातार बदलाव के बाद बीते दिन बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी हो गया है। इसे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट seniorsecondary.biharboardonline.com से डाउनलोड किया जा सकता है, जिसके बाद अब सभी छात्र 5 नवंबर तक इसमें करेक्शन कर सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस बार बोर्ड से स्कूल के प्रिंसिपल के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की परमिशन दी गई है। साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल की यह जिम्मेदारी होगी कि वो यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए सभी स्टूडेंट के डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर उन्हें सौंप दे। बिहार में चुनाव के बीच दो उप निर्वाचन पदाधिकारी का हुआ तबादला। पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे और तीसरे चरण की तैयारी हो रही है। वहीं इसी बीच बिहार सरकार ने दो उप निर्वाचन पदाधिकारी का तबादला कर दिया है। बिहार निर्वाचन विभाग की तरफ से जारी किए गए अधिसूचना के मुताबिक उप निर्वाचन पदाधिकारियों को उनके कार्यहित में वर्तमान कार्यस्थल से स्थानांतरित करते हुए नए जिले में पद स्थापित किया गया है। भोजपुर जिले की उप निर्वाचन पदाधिकारी निवेदिता सिन्हा का तबादला कर दिया गया है। इन्हें मुख्यालय में उप निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके अलावा बिहार निर्वाचन विभाग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्यालय के उप निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में कार्यरत विजय कुमार को भोजपुर जिले का नया डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर बना दिया गया है। मुंगेर के नवगछिया एसपी और डीएम ने निकाला फ्लैग मार्च। दुर्गा पूजा के दौरान मुंगेर में पुलिस और विसर्जन करने जा रहे युवाओं के बीच हुए झड़प में एक व्यक्ति की जान चली गई, जिसके बाद पुलिस की मनमानी के खिलाफ मुंगेर में उपद्रवियों ने उत्पाद मचा रखा है। हालांकि मौके की नजाकत को समझते हुए लीपी सिंह और डीएम को तत्काल प्रभाव से चुनाव आयोग ने हटा दिया था। वहीं उनकी जगह पर यह प्रभाव अस्थायी समय के लिए रचना पाटिल और मानवजीत सिंह ढिल्लों को दिया गया है, जिसके बाद इन दोनों ने बीते दिन अमन चैन बनाए रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया था। साथ ही दोनों ने फ्लैग मार्च भी निकाला, जिसके तहत सभी लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने 3,270 पदों पर निकाली रिक्तियां। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, आयुष फिजिशियन समेत अन्य पदों के लिए भर्ती निकाली है। इन भर्ती के लिए कुल मिलाकर 3,270 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इस पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी गई है। पहले आवेदन भरने की अंतिम तारीख 28 अक्टूबर तय की गई थी। हालांकि अब इच्छुक उम्मीदवार 20 नवंबर 2020 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके साथ ही ध्यान रहे, इच्छुक उम्मीदवार बीटीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.btsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। हर किसी को मतदान केंद्र जाने की पंकज त्रिपाठी ने की अनोखी अपील। बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल जारी है, जहां पहले चरण का मतदान सफलतापूर्वक पूरा करवा लिया गया है। वहीं अब दूसरे और तीसरे चरण के मतदान की तैयारी जारी है। इसी क्रम में बिहार चुनाव आयोग की तरफ से पंकज त्रिपाठी का एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें पंकज त्रिपाठी ने सभी मतदाताओं से कोरोना के माहौल में मतदान केंद्र में जाने की अपील की है, जिसके तहत उन्होंने वीडियो में सभी बूथों पर पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करवाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने समय समय पर बूथों के सैनिटाइज किए जाने का भी दावा किया है। इतना नहीं, उन्होंने सभी लोगों से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनने की अपील की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है, चुनाव आयोग ने कर ली है तैयारी, अब है मतदान की बारी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में 31 अक्टूबर का अपना ही एक खास महत्व है, जिसके तहत आज के दिन कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई है। 1875 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। 1943 में भारतीय वैज्ञानिक और इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर का जन्म हुआ था। 1966 में भारत के मशहूर तैराक मिहिर सेन ने पनामा नहर को तैरकर पार किया था। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों ने दिल्ली के उनके घर पर ही जान ले ली थी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेकर मैदान में उतरी ऐश्वर्या। लालू यादव की बहू और तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या भले ही सीधे तौर पर चुनावी मैदान में नहीं उतरी, मगर उन्होंने अब अपने पिता के लिए मैदान में उतरने का फैसला किया है। इसी क्रम में बीते दिन अपने पिता चंद्रिका राय को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवाने के लिए ऐश्वर्या राय रोड शो का हिस्सा बनी। परसा विधानसभा सीट से अपने पिता के लिए वोट मांगने की अपील के दौरान ऐश्वर्या ने अपने ऊपर हुए अन्याय को लेकर लोगों से वोट देने की अपील की। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, चंद्रिका राय परसा विधानसभा से जदयू के प्रत्याशी हैं, जिनके लिए ऐश्वर्या वोट मांग रही है। आपको याद दिला दें कि हाल ही में ऐश्वर्या ने नीतीश कुमार के पैर छूकर सक्रिय राजनीति में आने के संकेत दिए थे। बड़े भाई को कुर्सी दिलवाने फिर हसनपुर पहुंचे तेजस्वी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव को लेकर जनसभाओं का आयोजन करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भले ही खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने के लिए मैदान में है, मगर अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को हसनपुर सीट दिलवाने की पूरी जद्दोजहद में नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिन तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव के पक्ष में वोट मांगने के लिए एक बार फिर से मैदान में उतरे थे, जहां उन्होंने रैली को संबोधित किया। हसनपुर की जनता के बीच तेजस्वी तेज प्रताप रोजगार और प्रतिभा पलायन को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश भी की। साथ ही उन्होंने लालू यादव को ध्यान में रखते हुए वोट करने की अपील की। जेपी नड्डा ने तेजस्वी यादव को माफी मांगने की दी नसीहत। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए सभी स्टार प्रचारक मैदान में नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जनसभा का संबोधन किया, जिसके तहत उन्होंने एक बार फिर से लालू परिवार पर निशाना साधा, जिसके तहत सिवान में रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, आप क्या चाहते हैं, लालटेन युग या एलईडी युग, तय आपको करना है। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा ने तेजस्वी यादव को माफी मांगने की भी नसीहत दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मैं तेजस्वी से बड़े साफ मन से पूछना चाहता हूं कि आपने अपने माता पिता जो कि कई सालों तक मुख्यमंत्री रहे, उनका चेहरा पोस्टर से क्यों हटा दिया? चेहरा हटाया तो अब बिहार की जनता से माफी क्यों नहीं मांगते हो? वाई प्लस सुरक्षा के बावजूद घिरे तेजस्वी। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार में मतदाताओं को लुभाने के लिए राजद नेता लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ जनसभाओं का संबोधन कर रहे हैं। हालांकि वाई प्लस सुरक्षा घेरा के बावजूद समस्तीपुर के उजियारपुर में तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर के आसपास इकट्ठा हुई भीड़ पर राजनीति फिर शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव की सुरक्षा में हुई इस चूक के वीडियो को राजद ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है। राजद ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि एक तरफ बिहार पुलिस अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए मुंगेर में मनमानी करती देखी गई है, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के लिए इतनी लचर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करती है कि कोई भी बड़ी आसानी से हेलीकॉप्टर तक पहुंच सकता है। 1 नवंबर को चुनाव से पहले लागू होगा निषेधाज्ञा। दूसरे चरण के मतदान में कुल मिलाकर 94 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। हालांकि जिन इलाकों में दूसरे चरण के तहत मतदान का आयोजन करवाया जाना है, उन क्षेत्रों में 1 नवंबर से ही निषेधाज्ञा लागू हो जाएगी, जिसके बाद इन इलाकों में सार्वजनिक स्थल पर एक साथ 4 लोगों के इकट्ठा नहीं होने की अनुमति होगी। अगर फिर भी लोगों ने अपनी मनमानी की तो पुलिस धारा 144 के तहत आपको हिरासत में लेकर सलाखों के पीछे भी भेज सकती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मुंगेर में हुए वाक्य के बाद पुलिस ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है, साथ ही 4 लोगों के जमा होने पर सख्ती दिखाई जाएगी। बीते दिन नीतीश कुमार ने की एक के बाद एक ताबड़तोड़ जनसभाएं। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक के बाद एक कई जनसभाओं का संबोधन किया, जिसमें उन्होंने सरकार आने पर काम करने का भी दावा किया ही, साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर बयानबाजी की। इसी बीच बीते दिन खगड़िया में किए गए जनसभा में उन्होंने महिलाओं एवं पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने और उनके सशक्तिकरण के लिए उनकी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को गिनाया और उन पर विश्वास रखने और विपक्ष की बातों से गुमराह नहीं होने की अपील की। इसके साथ ही सीतामढ़ी के सुन्नी सैदपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालटेन का युग खत्म कर विकास की रोशनी पहुंचाने की बात कही है। चिराग ने मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के नाम नहीं होने की कही बात। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। इसी क्रम में चुनाव की शुरुआत से ही बगावती तेवर अपना चुके चिराग पासवान ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने जेएनकेटी के मैदान में लोजपा के प्रत्याशी रेणु कुशवाहा के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए साफ कहा है कि इस बार बिहार की जनता मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को नहीं सौंपने वाली है। नीतीश कुमार ने तो प्रधानमंत्री मोदी को भी कई बार झूठ बोला है कि बिहार का विकास हुआ है, लेकिन धरातल पर कुछ भी विकास नहीं हुआ है। जनता अब पूरी तरह से नीतीश कुमार से उब चुकी है। जनता समझ चुकी है कि नीतीश जब देश के मुखिया से झूठ बोल सकते हैं तो जनता क्या चीज है।
जीत के बाद अपने सेलिब्रेशन को लेकर घिरे जडेजा आईपीएल के 49वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने शानदार खेल दिखाया। हालांकि अब चेन्नई के इस खेल का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह टीम अब प्लेऑफ से ही बाहर हो चुकी है। हालांकि केकेआर के खिलाफ खेले गए मैच में कोलकाता की टीम के खिलाफ चेन्नई ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। सीएसके की इस जीत में ऋतुराज गायकवाड़ और रविन्द्र जडेजा की अहम भूमिका रही। जीत के बाद रविन्द्र जडेजा अपनी पारी को सेलिब्रेट करते भी नजर आए, जिसको देखने के बाद लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। दरअसल सेलिब्रेट करने के लिए जडेजा पीछे घूमे और उन्होंने अपने जर्सी पर गौर करने को कहा। उनकी जर्सी पर वहां इंडिया सीमेंट लिखा हुआ था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके इस सेलिब्रेशन के तरीके को देखते हुए जमकर मजे लिए और साथ ही कई तरह के कमेंट भी किए। भारत में पूरी तरह बंद हुआ पबजी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है मीम्स। भारत ने लगभग 150 चाइनीज ऐप को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। इसी के साथ ही भारत ने चाइना का मोबाइल गेम पबजी को बीते दिन पूरी तरह से बंद कर दिया है। आपको बता दें कि पबजी मोबाइल गेम को हाल ही में कुछ दिनों पहले भारत में बैन कर दिया गया था। बैन होने के बाद भी यह गेम कई अन्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध थी, जिसके बाद बीते दिन पूरी तरह से इसे बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर पबजी के बंद होने पर तरह तरह के मीम्स भी ट्रेंड हो रहे हैं। पबजी कंपनी ने यह सूचना देते हुए कहा है कि पबजी अब पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 30 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,890 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,890 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 60,200 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.73 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.10 रुपए प्रति लीटर था। इरफान खान के बेटे को आई उनकी याद। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार इरफान खान के बेटे को उनकी याद एक बार फिर सताने लगी है। इरफान खान के गए हुए भले ही 6 महीने का समय हो गया है, मगर उनकी कमी आज भी महसूस की जा सकती है। वहीं उनके बेटे बाबिल को भी अक्सर अपने पिता की याद आ जाती है। इसी क्रम में बाबिल ने हाल ही में एक बार फिर से अपने पिता को याद किया है और साथ ही अपने पिता के साथ एक अनदेखी तस्वीर को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है टू मैन स्क्वाड, जहां ये दोनों एक बोट पर नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर सर्दियों की है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर प्रसाद यादव, शैलेश मौर्य, असिस्टेंट टीचर अंग्रेज कुमार, सुमन मिश्रा, सोनू यादव, एनके मुन्ना ऑफिशियल, जोया जमाल, नीतीश कुमार, शैलेश कुमार, नीरज कुमार, शंकर विशाल, कार्तिक यादव, प्रहलाद कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार सीएसके के प्लेऑफ में नहीं पहुंचने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।